पति के साथ किस तरह का व्यवहार था आपका? अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे और बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मैं इनको भी पता है, इनको बताती थी यार ऐसे करते हैं वो, दुख भी होता था, तो मैं खुश नहीं थी। कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं के कारण मैं जैसे भी रह रही थी। उनके ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी ज़िंदगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी ज़िंदगी हर कोई मौज करता है। कोई किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खुश हो। सचिन की घर के अंदर अब आप बहू बन के रह रही हैं, रसोई में खाना बनाया नहीं? अभी तक नहीं, अभी मम्मी बनाती है अभी तक। आपने क्यों नहीं बनाया? मैं तो इच्छा है बनाने की, मैं तो कहती हूँ मैं बना, मम्मी बनाने नहीं देती, कहती तुम सारा दिन बैठती हो मीडिया में तो तुम थक जाती हो। रोटी खाने तक का टाइम नहीं मिलता। पहले तो पाकिस्तान कभी मैं जेल में नहीं गई, कभी ऐसा पुलिस को कलूस से देखा नहीं, पर इंडिया में पहली बार ही मतलब जेल देखी है, पहली बार ही देखी है, पर यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। इंडियन पुलिस, नोएडा की पुलिस को मैं सलाम करती हूँ, बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीमा, जिन्हें देखने के लिए गांव के लोग सुबह से शाम तक भीड़ लगाकर उनके घर के अंदर आ जाते हैं, वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे यहां पर लोगों की भीड़ हर वक्त मौजूद रहती है। लोग यहां पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है, उनके नाम के पीछे पाकिस्तान जुड़ा हो और शायद इसी वजह से लोग यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर देखना चाहते हैं। सीमा हमसे साथ जुड़ी है। सीमा, ये बताइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपको क्या फ़र्क नज़र आया जब से आप? थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है पाकिस्तान हिंदुस्तान के, किसी समय में एक ही था, तो थोड़ा ही फर्क है, जैसे खाने पीने में थोड़ा फर्क है, थोड़ा रहन सहन का फर्क है, बाकी तो सेम ही है, हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है। ये बताइए कि जब आप आए थे अलग कारण थे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपको सचिन के साथ रहने के लिए उसने छोड़ा। पाकिस्तान में अगर इस तरह से सचिन वहां पर आते और सचिन को वहां पुलिस पकड़ती तो क्या इस तरह से हालात होते? बहुत बुरे हालात होते सचिन वहां होते, कि लड़ने से पहली बार बुरे हालात होते, तो शायद किसी को पता भी ना होता ये कहाँ है, क्योंकि पता है आपको हालात पाकिस्तान और इंडिया के, तो फिर भी तो मैं इनके लिए अपनी जान दे देती, इनको कुछ होने ना, जब तक मैं जिंदा होती तो इनको कुछ होने ना, अगर ये वहाँ आते तो ये नहीं किसी कारण मैं इनको वहाँ आने से मना कर, ऐसा नहीं कि मैंने इनको बुला रही थी ये ना यहाँ रहे, ये मैंने ही इनको मना करा कि तुम यहाँ आने के बाद मत किया करो, मैंने मना करा कि मैं आऊँ। जब से आप यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान में और सचिन के घर में रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो क्या पाकिस्तान परिवार से या किसी रिश्तेदार से फोन पर संपर्क हुआ, क्या उन्होंने कुछ कहा? मेरा संपर्क कॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ, बस बीबीसी वाले कल आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी बहन बहुत दुखी है, तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई क्योंकि बहन ही सर सबको कॉल नहीं किया, बहन को क्यों मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उससे बात करूँगी फिर मैं ये दुख होगा, तो इससे अच्छा मैं खुश रहे, वो भी खुश रहे, भगवान से प्रार्थना है कि वो भी खुश रहे जहाँ भी रहें, मैं भी खुश उनके साथ, बहुत खुश। चार बच्चों के साथ कैसे आगे जीवन कटेगा, क्योंकि चार बच्चे हैं और जिस तरह से सचिन की कमाई है, उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? मुश्किल तो है बहुत ज़्यादा सर, पर यहाँ के बड़े बड़े लोग आके हमें ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको काम देंगे, इनको कोई भी काम हो हमें आप कॉल करना, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, आई थिंक हो जाएगा क्योंकि इंडिया साथ दे रहा है, तो हो जाएगा, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा यहाँ पे। आपके ऊपर कई तरह के आरोप शुरुआती दौर में लगे थे कि सचिन और आपकी जो दोस्ती हुई वो पबजी गेम के जरिए हुई थी, उसके बाद पबजी के बाद आपके पीछे प्यार हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद नेपाल आप मिले, पति के साथ किस तरह का व्यवहार था आपका? अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे और बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मैं इनको भी पता है, इनको बताती थी यार ऐसे करते हैं वो, दुख भी होता था, तो मैं खुश नहीं थी। कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं के कारण मैं जैसे भी रह रही थी। उनके ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी ज़िंदगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी ज़िंदगी हर कोई मौज करता है, कोई किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खुश हो, तो मेरा ही जीवन झंड था तब वहीं पर, अगर मैं रहती मेरे बच्चों का और मेरा ही था, तो मुझे यहाँ इनके साथ रहना अच्छा लगा, मतलब मैंने इनको कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा पीछे कुछ नहीं है, कोने को कुछ भी नहीं है, जो है मेरे बच्चे हैं तो इनको मैं छोड़ नहीं सकती, और इनको मेरे बच्चे पहले से ही अच्छे लगते थे, कह रहे थे हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं, हम दोनों के हैं,
तो इन्होंने मेरे बच्चों के लिए शुरू से ही कह दिया हाँ तुम आओगी तो बच्चों के साथ आओगी। सचिन अब चार बच्चे हैं और पाकिस्तान से आई जो सीमा है वो अब आपकी पत्नी हो गई हैं, आसपास के लोगों की भीड़ रोजाना होती है, अब कैसे मैनेज करोगे क्योंकि अब चार बच्चों का भी आपको भविष्य देखना है। सर वो तो हो जाएगा सब, कोई भूखा नहीं सोता, फिर मैं खूब कोशिश करूँगा जितना, यानी कि बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रहन सहन खाना पीना सब चीज़ ठीक से कराएंगे। एजेंसियों के रडार पर तो अभी भी आपको जी, एजेंसियों के रडार पर जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी भी आप उनके रडार पर हैं? बिल्कुल हैं, पर आई थिंक उनको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, जो सबसे कह रहे हैं बड़े एजेंसी जासूस हैं कुछ भी हैं वो कर रहे हैं मेरी जांच, तो मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती, इनका कोई दोष ना होता। और जो भी बैकग्राउंड मैंने मुझसे मेरे पूरे ख़ानदान का, जैसे मेरे मामा के पापा जो भी पूरे ख़ानदान का, पतियों पत्नियों का, उनके बच्चों का, जो जो था सारा मुझसे पूछा, मुझसे तीन दिन रेगुलर सुबह से शाम तक अलग अलग लोग आते थे, पूरे बुक भर के जाते थे लिख लिख के, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई झूठ बोला होगा, मैंने सब सच बोला, क्योंकि मुझे सच पे बिलीव है, मुझे भरोसा है सच पे, सच ही जिताएगा मुझे, क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई गलत इरादे से नहीं है, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया मानेगी हमारे प्यार। योगी राज में आप आए हैं, जानते हैं आप योगी आदित्यनाथ? जी सर जानती हूँ। कैसे जानते हैं? यही इन्होंने बताया न्यूज़ फ्यूज़ में, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, कभी देखा भी नहीं है सर, अभी थोड़ा बहुत जानती हूँ। कौन है वो? यहाँ के कोई प्रधान है, मुख्यमंत्री जी सर। तो आपकी उनसे भी कोई गुजारिश है? उनसे मेरी है गुजारिश, मैं जब से यहाँ आई हूँ तीसरा दिन है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट की जा रही हूँ कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें, मेरे बच्चों के आधार कार्ड बने और ये स्कूल जा सके, और इसी कारण ही मतलब हम वकील के पास गए थे, वरना हम छुप के रह रहे थे, हम रह रहे थे, बस बच्चों के स्कूल बंद थे और मेरा लड़का बड़ा है, लड़की जो बड़े हैं तो उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा था, तो हमने इसी कारण ही हमने वकील से बात करनी चाहिए और हमने वकील ने फंसवा दिया। पाकिस्तान की पुलिस अगर उस दौरान, जैसे हमने कहा था कि सचिन अगर पाकिस्तान चले गए होते हैं, और पाकिस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की पुलिस में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क है सर, पहले तो पाकिस्तान कभी मैं जेल में नहीं गई, कभी ऐसा पुलिस को कुलूस से देखा नहीं, पर इंडिया में मैं पहली बार ही मतलब जेल देखी है, पहली बार ही देखी है, पर यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, इंडियन पुलिस नोएडा की पुलिस को मैं सलाम करती हूँ, बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, मतलब ये जान के शुरू में दो दिन तो बहुत बुरे तरीके से रहे, क्योंकि उनका मतलब फ़र्ज था, उनकी ड्यूटी थी, उनके बाद जब उनको बिलीव होने लगा कि हाँ मैं इन द लव मतलब प्यार में आई हूँ, तो फिर उनको यकीन होने लगा, तो फिर रिस्पेक्ट करी हमारी। सचिन की घर के अंदर अब आप बहू बन कर रह रही हैं, रसोई में खाना बनाया नहीं अभी तक? नहीं, अभी मम्मी बनाती है अभी तक। आपने क्यों नहीं बनाया? मैं तो इच्छा ही बना रही, मैं तो कहती हूँ मैं बना, मम्मी बनाने नहीं देती, कहती तुम सारा दिन बैठती हो मीडिया में तो तुम थक जाती हो, रोटी खाने तक का टाइम नहीं मिलता। और दूसरी बात,